तो दोस्तों अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ में कुछ बढ़िया से स्मार्टफोन के कंपनीज की रेंज देखने को मिल रही है, जैसे कि एप्पल, वन प्लस या गूगल पिक्सल बोल सकते हैं और काफी दूसरे ब्रांड देखने मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर में ऐसे कौन से फोन्स है जो लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं फोन्स की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ फोन जो देखने मिलता है वो पोको का C3 जो कि इंडिया में 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। तो ये फोन काफी ज्यादा बेटर है पोको M2 प्रो से। तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई इसके डिटेल और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें हमें 6.5 इंच प्लस HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कंटेंट करता है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर विद 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज। तो इसमें जो कैमरास लगे हुए हैं वो हमें देखने मिलते हैं कि 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने मिलता है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। तो कैमरा जो होगा, अगर बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। और कुछ सपोर्ट सिस्टम देखे तो इसमें हमें ड्यूअल वोल्ट 4G सिम देखने मिलता है, प्लस ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलता है, GPS का फीचर भी देखने मिलता है साथ में। तो एज इस फोन को हम लो बजट मिड फोन बोल सकते हैं इसे। तो हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो है Realme का 7i जो कि अक्टूबर 7 को रिलीज होने वाला है इंडिया में। तो ये फोन वन स्टेप एडवांस है Realme 7 से। तो इस फोन की कुछ डिटेल और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये फोन में हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जो कि आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट देखने मिलता है, प्लस आपको इसमें 6.5 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो हमें इस फोन में जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 662 विथ 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा और 5000mAh की बैटरी देखने मिलती है, जिसमें 18W का फास्ट चार्जर कंटेंट करता है। और अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करें दोस्तों इंडिया में, तो ये फोन हमें नियर बाय 10,000 की रेंज में देखने को मिल जाता है। तो एज हम मिड बजट फोन बोल सकते हैं इसे। तो हमारा जो थर्ड फोन है वो बेसिकली सैमसंग लवर्स के लिए है। तो सैमसंग लेके आता है F41 की सीरीज जो कि इंडिया में 9 अक्टूबर को लॉन्च होगी। सैमसंग की फर्स्ट सीरीज जो F इसमें लॉन्च हो रही है। तो ये सीरीज में उन्होंने कैमरा की जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो काफी ज्यादा नेचुरल यूज की है, प्लस इसमें हमें काफी ज्यादा सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं गैलेक्सी M31 से, जो कि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, प्लस 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 64 मेगापिक्सल का प्राइम सेंसर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया होगा। और प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो ये फोन की प्राइस रेंज हमें 15,000 के नियर बाय देखने को मिल जाती है। तो एज हम इसे मिड लेवल के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो वन प्लस के यूजर्स के लिए लाता है, जो कि वन प्लस 8T जो इंडिया में अक्टूबर 14 को लॉन्च होगा। तो ये फोन बेसिकली फ्लैगशिप किलर है, जिसमें हमें टॉप एंड के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट और बैटरी जो देखने मिलती है वो 4500mAh की, जो 65 वॉट्स के चार्जर के साथ देखने को मिल जाती है। तो ये फोन में मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद है वो चार्जिंग की। तो इस फोन में जो चार्जर दिया है वो 65 वॉट का, वो फोन को .39 मिनट्स में 100% चार्ज कर देगा, जो कि काफी स्ट्रेंज और शॉकिंग थिंग है। अगर ये फोन के सिस्टम के बारे में बात करें तो ये फोन में हमें एंड्रॉइड OS ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है, प्लस 48 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 12GB रैम कंटेंट करता है और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और इस हैंडसेट के प्राइस के बारे में बात करें तो ये फोन हमें 51,700 रुपीज इंडिया में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लैगशिप किलर फोन है। तो हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो गूगल यूजर्स के लिए लाता है, जो कि गूगल पिक्सल 4 जो कि इंडिया में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगा। तो इस फोन में हमें मिड रेंज के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे 60 हर्ट्ज का स्क्रीन पैनल देखने को मिल जाता है, प्लस 5.8 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है कि OLED प्लस FHD है। और स्नैपड्रैगन के बारे में बात करें तो इसमें हमें 766G का चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल से फास्ट है थोड़ा। और अगर इसके कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी रन करता है 3140mAh की विद 18W का फास्ट चार्जर। फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो ये फोन हमें नियर अबाउट 26,000 की रेंज में देखने को मिल जाता है। एवरेज और एक्सीलेंट के बीच में जो क्वालिटी आती है उस रेंज में इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो वीवो के यूजर्स के लिए लाता है, जो है वीवो V20। तो ये फोन इंडिया में अक्टूबर 12 को लॉन्च होगा। जो वीवो है वो 2-3 वेरिएंट्स निकाल रहा है इसमें, जैसे कि V20 है, V20 Pro है और V20 SE। तो हमें इसमें 3 रेंजेस देखने को मिल जाती है।
तो इस फोन में हमें काफी फास्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, प्लस ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैटरी इसकी वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 34 watts का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो वीवो ये डिमांड करता है कि ये फोन है वो काफी ज्यादा स्लिमेस्ट होगा और इसकी जो प्राइस है वो हमें 20-30,000 के रेंज में देखने को मिल जाती है, एज हम इसलिए मिड रेंज स्लिमेस्ट फोन बोल सकते हैं। तो अभी जो हम फोन के बारे में बात करने वाले हैं वो पूरे मार्केट को हिला के रख देता है और मार्केट में काफी टॉप पे है। तो दोस्तों हम जो फोन के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है iPhone 12 और Samsung Galaxy का S20e। तो रूमर्स के हिसाब से ये फोन की लॉन्चिंग अक्टूबर 15 के बाद होने वाली थी, पर इस फोन के हमें कंप्लीट डिटेल देखने को नहीं मिलते। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और इसी का अगर वीडियो को भी यही एंड करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपको मालूम है क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।